आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पुकारे मध्य प्रदेश, सुन लो ये संदेश, देश के दिल से दिल्ली तक अब है कांग्रेस। पुकारे मध्य प्रदेश, धोखेबाजों और ढलों से चलो बचाए देश। पुकारे मध्य प्रदेश, दिल्ली देश की धड़कन है, साल में दिल्ली से हुआ न कुछ हासिल। मेहनत का फल मिला नहीं, दुखी था हर किसान। महंगाई थी बढ़ी हुई, सस्ती हुई थी जान। ऐसे में कांग्रेस ने आगे हाथ बढ़ाया, कमलनाथ ने किसान का कर्जा माफ कराया। अब काम युवाओं को मिलेगा, आगे बढ़ेगा देश। पुकारे देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीजेपी छोड़ शत्रुघ्न सिन्हा हुए कांग्रेस में शामिल, पटना साहब से मिला लोकसभा का टिकट। बीजेपी के घोषणा पत्र में है बहुत कुछ खास, बीजेपी 8 अप्रैल को इसे करेगी जारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, मोदी सरकार आई तो देश में चुनाव खत्म। धमतरी के नक्सली हमले में शहीद हुए भोपाल के जवान को अंतिम विदाई, बड़ी संख्या में पहुंचे खास और आम लोग। और होशंगाबाद में खेत की आग का तांडव, 3 लोग जिंदा जले, फसल हुई बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में रणदीप सुरजेवाला व अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर भाजपा छोड़ने की घोषणा की। कांग्रेस में शामिल होते ही शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस ने पटना साहब से टिकट दे दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा कि पार्टी के स्थापना दिवस के दिन मैं भाजपा छोड़ रहा हूं। मैं बहुत भारी मन से भाजपा छोड़ रहा हूं। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। भाजपा में नानाजी देशमुख, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे गुरु, मेरे मित्र और मार्गदर्शकों को याद करना चाहूंगा जो मेरे परिवार की तरह रहे। मैं उन सभी बातों को भूल कर सभी को माफ करना चाहता हूँ जिन्होंने लोकशाही को तानाशाही में बदला। वर्तमान में पार्टी के कुछ नेताओं और नीतियों की वजह से मेरे पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया था। उन्होंने आगे लिखा कि देश की जिस सबसे पुरानी पार्टी का मैं हिस्सा बनने जा रहा हूं, वो मुझे वह मौका देगी जिसमें मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। क्या नहीं हुआ, भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई अश्वंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतो गतवा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया, क्या इसमें से कोई कम था, किसी का व्यक्तित्व कम था, किसी पर किसी किस्म का आरोप था, क्या हमारी छवि खराब थी, क्या हमारी इमेज में कहीं दाग। हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा है। 28 मार्च को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि वो नवरात्रि के पहले दिन यानी 6 अप्रैल को अच्छी खबर देंगे। हालांकि शत्रुघ्न 28 मार्च को ही कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन लालू यादव की सलाह के बाद वे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए बिना लौट गए थे। घोषणा पत्र जारी करने में कांग्रेस से पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इसे 8 अप्रैल को जारी किया जाएगा।
भाजपा अपना घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के पहले चरण 11 अप्रैल से महज 3 दिन पहले जारी करेगी। इस घोषणा पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के साथ ही आतंक पर जीरो टॉलरेंस की बात होगी। भाजपा का शपथ पत्र 8 अप्रैल को जारी होना है। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा के इस घोषणा पत्र में विकास, राष्ट्रवाद के अलावा हिंदुत्व का मुद्दा भी होगा। सूत्रों के अनुसार शपथ पत्र नाम से जारी होने वाले घोषणा पत्र में वादों के अलावा मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों का जिक्र भी होगा। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने, आतंक पर जीरो टॉलरेंस की बात भी इसमें है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार अयोध्या, काशी और मथुरा में स्पेशल कॉरिडोर पर बात कर सकती है। काशी में तो इसे लेकर काम भी जारी है। पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय कमेटी बनाई। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हैं। इस कमेटी में कई उप कमेटियां भी हैं जो घोषणा पत्र तैयार करने के लिए राजनाथ सिंह को इनपुट देती रहीं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर फिर मोदी सरकार बन गई तो देश में चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे। दिग्विजय ने इशारे इशारे में बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ओबीसी सम्मेलन में पहुंचे दिग्विजय सिंह के निशाने पर मोदी सरकार रही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस वर्ग के लिए जितना कुछ कांग्रेस ने किया है किसी और ने नहीं। दिग्विजय सिंह ने इशारों इशारों में आरोप लगाया कि अगर मोदी सरकार बन गई तो इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी जी की सरकार बन गई तो इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी सोच। चुनाव के मद्देनजर दिग्विजय सिंह इस वक्त कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं। भोपाल में भी दिग्विजय हर छोटे बड़े कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बैरागढ़ के कार्यक्रम में तो लोक कलाकारों ने दिग्विजय सिंह को घेर लिया। दिग्विजय कुछ समझ पाते तब तक तो इन कलाकारों ने दिग्विजय सिंह से भी ठुमके लगवा दिए। उसके बाद दिग्विजय इनके साथ बहुत ही पारंपरिक अंदाज में नजर आए। समय चुनाव का है, जाहिर है, ऐसे में किसी को नाराज भी नहीं किया जा सकता। अब तक भोपाल के सांसद रहे आलोक संजर ने भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा उन्हें कोई भी विजय देखना नहीं चाहता। संजर ने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि उनको देखकर कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं। बीजेपी नेता आलोक संजर का कहना है, बीजेपी में व्यक्ति नहीं पार्टी का महत्व है। पार्टी का जो भी प्रत्याशी होता है पूरा संगठन उसे जिताने में लग जाता है। संजर ने कहा इस बार कांग्रेस ने भोपाल में दिग्विजय सिंह के रूप में बड़ी चुनौती दी है, लेकिन कोई भी उन्हें विजय देखना नहीं चाहता है। संजर ने कहा दिग्विजय सिंह तो खुद मानते हैं उनका चेहरा दिखते ही कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं। उनको पता है, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी कहा था कि यदि मेरा नाम लोगे, मेरे होर्डिंग पोस्टर लगाओगे तो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था, लेकिन वो तब साक्षात प्रकट होने वाले लोगों के सामने, तो लोग तो नाम लेंगे ही लेंगे, तो ये तो सिद्ध हो रहा है ना, खुद ने उन्होंने बोला था। आलोक संजर ने कहा बीजेपी में सब कुछ संगठन तय करता है, मैं भी जब चुनाव लड़ा तब मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा भोपाल को लेकर तो पार्टी और मतदाता दोनों उत्साहित हैं कि मतदान हो तो वो कांग्रेस को सबक सिखाए। दिग्विजय के मैदान में आने के बाद भोपाल लोकसभा का जो चुनाव क्षेत्र है वो बहुत रोचक हो गया है, और इस सीट पर क्या होगा फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा, मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने,
इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकौड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूँगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें राजनीति की थी, राजनीति की बातचीत चल रही है, लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सोशल मीडिया पे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर अभद्र टिप्पणियां करने का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार राकेश सिंह पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भाजपा ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राकेश सिंह पर बद्दी टिप्पणी करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करने वाले लोगों की भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से शिकायत की है। शिकायत करने वालों का कहना है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के उम्मीदवार राकेश सिंह पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा नेता के बारे में टिप्पणी करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से परेशान हैं। इस वजह से ये लोग सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें पोस्ट कर रहे हैं। रंजीत पटेल जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप में अनर्गल बात हमारे सांसद जी के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप धरातल पर आके चुनाव लड़ो। जब आप 5 साल यहाँ नहीं थे तब आपको चिंता नहीं थी, और जो अब चुनाव आ गए तो उन पर उनकी छवि ख़राब करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की ये हमेशा की मानसिकता रही, मगर इनको जनता बता दी, क्योंकि जब ये व्हाट्सअप और फेसबुक में जनता इस चीज़ को देखती है तो निश्चित रूप से वो नाराज होती है, और उनकी नाराजगी इनकी हार का कारण बनेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों की जाँच की जा रही है। प्रशासन निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई की बात कह रहा है। जी, अभी हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक प्रत्याशी के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है। इस ज्ञापन में जो भी शिकायत की गई है उसकी संपूर्ण जांच की जाएगी, और निर्वाचन नियमों के अंतर्गत जो कार्रवाई इसके लिए नियत है वो कार्रवाई उचित समय में की जाएगी। रीवा से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के बाद सिद्धार्थ तिवारी ने कहा है कि वे चुनाव जीतने के बाद बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी के पोते तथा पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी पर भरोसा जताया है। सिद्धार्थ तिवारी ने क्षेत्र की समस्याओं की बात करते हुए कहा कि रीवा जिले में सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या है, युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, तथा रीवा जिले में कांग्रेस के शासनकाल में ही एकमात्र कारखाना जेपी सीमेंट खोला गया था, जिसके बाद से अभी तक क्षेत्र में उद्योगों के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा इलाके का किसान भी बहुत परेशान है। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवा की बात सुनी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट कमलनाथ जी ने युवाओं को एक शक्ति दी है, और आशा करते हैं कि हम और हमारी युवा टीम इस भार को उठा पाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा तो युवा की बेरोजगारी है, फिर आते हैं किसान। किसान रीवा ज़िले का आज दर दर भटक रहा है। उसको पिछले 15 साल की शिवराज सिंह सरकार में जो प्रताड़ना जो वहाँ मिली है, एक मुद्दा वो है। हम माननीय कमलनाथ जी के साथ, आदरणीय राहुल जी के साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि अपने रीवा ज़िले के किसान को उसके जीवन को एक नई ऊंचाई आते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। चुनाव है तो दावे और वादे
दोनों की सौगातें जनता के पास पहुंचती रहेंगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि लोगों की बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और इंदिरा गृह ज्योति योजना से 61 लाख उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश में लाभ मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा ऊर्जा विभाग आम लोगों के हित में फैसले ले रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना से 61 लाख उपभोक्ता लाभ ले रहे हैं। सरकार द्वारा इस योजना के लिए 2026 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि गलत बिजली बिल आने की बहुत शिकायतें थी जिनके निराकरण के लिए 47 जिलों में समिति गठित कर दी गई है। 5 जिलों में आचार संहिता हटने के बाद यह समिति बनेगी। डायल 100 की तर्ज पर कॉल सेंटर 1912 की स्थापना की गई है। 2019 मध्य प्रदेश की विद्युत मांग 14,000 मेगावाट तक पहुंची, पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास और हमने वो मांग को पूरा किया। ये भी सरकार की उपलब्धता है। और मेंटेनेंस पर 3-4 माह से नवंबर तक सस्पेंड किए गए। राजनीति से इतर खबर होशंगाबाद से है। खेतों में लगी आग को आंधी ने ऐसा भड़काया कि देखते देखते 3,000 एकड़ से अधिक में लगी फसल स्वाह हो गई। आग इतनी जानलेवा थी कि इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग इससे झुलस गए। आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय तक मशक्कत करना पड़ी। ये आग नरवई से लगी थी, पूरा होशंगाबाद इस आग से घिरा नजर आया। होशंगाबाद जिले के कई गाँव में देर शाम आग लग गई। आग नरवई में लगी थी, देखते ही आग कई गांवों में फैल गई। इस आग में जलकर अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। सुबह दोखेंडा के पास खेत में 3रा शव मिला। मृतक का नाम गुरु साहब बताया जा रहा है। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि होशंगाबाद सिवनी मालवा इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से फायर टेंडर बुलाने पड़ गए। रात भर SP कलेक्टर और कमिश्नर मौके पर तैनात रहे और राहत बचाव का काम जारी रहा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस आगजनी में करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। आग का जो थाना है उसका नीम से आड़िया गांव, आंजरा गांव और बावई पुलिस थाना, सिवनी मालवा पुलिस थाना, इनके अनेकों गांव में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। हमने इटारसी, होशंगाबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बुधनी, यहाँ की जो फायर ब्रिगेड है उनको बुलाई और कंटिन्यूस जहाँ जहाँ आग लगी थी वहाँ पर उन फायर ब्रिगेड को भेजा गया। इसमें हमारे थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी देहात, हमारे SDOP और फिर हमारे कलेक्टर साहब, SP साहब, IG साहब, इन्होंने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की। पर इसके बावजूद अभी लगभग मैक्सिमम जगह जो आग लगी थी उन पर काबू पा लिया है। पांजरा और नीम साड़िया में अभी भी आग लगी हुई है और इस आग में जो गांव के लोग थे और जो ट्रैवल कर रहे थे वो लोग ट्रैप हो गए थे। जो लोग घायल हुए हैं उनको यहाँ शासकीय अस्पताल में लेकर आए हैं, उनका उपचार चल रहा है। आग की वजह से 3,000 एकड़ से अधिक फसल जलने की आशंका है। सुबह तक पूरे जिले की दमकलें आग को काबू पाने में जुटी हुई थी। पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पे है। खेतों की इस आग के सामने आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल नजर आया। शहर के मंगलमय विलास निवासी लोगों ने बताया कि शाम करीब 7 बजे अचानक धूल भरी आंधी के बीच खेतों में आग लग गई। देखते ही आग से पूरा इलाका घिर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुलमाड़ी गांव समेत शहर के मंगलमय विलास, खोजनपुर व नवीन जेल वाला एरिया पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया। आग की लपटें इटारसी रोड समेत पूरे शहर से दूर दूर से दिख रही थी। धीरे धीरे आग इटारसी तक पहुंच गई। नेशनल हाईवे किनारे बसे कई गांव और दोनों शहर इटारसी और होशंगाबाद के सीमावर्ती रहवासी इलाके आग से घिरने के कारण लोग दहशत और परेशानी में आ गए। लोग सड़कों पर निकल आए थे। इसके बाद दमकल विभाग को पुलिस को सूचना दी गई, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। शहर उसके आसपास के लगभग 15 से 20 स्थानों पर आग की घटना हुई है और इसमें अब तक 3 व्यक्ति मृतक हुए हैं और लगभग 20 व्यक्ति अब तक घायल हुए हैं। इन सभी का घायलों का उपचार चल रहा है। यहाँ पर जिला अस्पताल और नर्मदा अस्पताल है, वहाँ पर घायलों का उपचार चल रहा है और उनको RBC 6-4 के तहत सहायता भी दी जा रही है। जो निम्नानुसार सहायता उनको प्राप्त बनती है, मृतकों को 4 लाख रुपये और घायलों को उनके प्राप्तानुसार सहायता राशि दी जा रही है। बीती शाम तेज हवाएं चल रही थीं जिसने धीरे धीरे आंधी का रुख ले लिया। उसने आग को विकराल रूप धारण करवाने में काफी मदद की। उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि आग बुझाने खेतों में घुसा किसान भी भाग नहीं सका और झुलस गया। पंजार कला में किसान जयप्रकाश पटेल ने बताया कि गांव के करीब 10 लोग झुलसे हैं, 2 बाइक जली हैं, 1 डंपर, 1 ट्रक और 2 मकान आग के हवाले हो गए हैं।
दर्जनों गांव में हर तरफ आग और तबाही का मंजर है। तेज आंधी के कारण कई दर्जन छोटे बड़े पेड़ धराशायी हो गए। हालात इतने खराब हो गए थे कि गांव के जेट पंप नलकूप नहीं चलाए जा सके और इस कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। सामान्य तौर पर नरवई काट के खेतों में छोड़ दी जाती है, लेकिन किसान मेहनत से बचने की खातिर नरवई में आग लगा देते हैं, जिस कारण इस तरह के हादसे पेश आते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोलकर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने। इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। 5 साल पहले आए थे हमारी खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूँगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। वो कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए भोपाल के सीआरपीएफ जवान हरिशन पाल को आज अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले जब फूलों से सजी गाड़ी में शहीद का पार्थिव देह उनके घर पहुंची तो उनकी पत्नी और बेटी और तमाम सारे रिश्तेदारों के सब्र का बांध फूट पड़ा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भोपाल के सीआरपीएफ जवान हरिश्चंद्र पाल कल धमतरी में हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए। उनके घर की तस्वीर को देखकर हर कोई गमगीन हो गया। पत्नी और बेटी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो एक तक शहीद हरिश्चंद्र को देख रहे थे। ये तस्वीर देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। आज सुबह से ही शहीद के घर के बाहर लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोपहर होते होते यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। अपने लाल को आखिरी सलाम देने के लिए हर उम्र के लोग पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद आलोक संजर, मंत्री पीसी शर्मा, विधायक कृष्णा गौर भी हरिश्चंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे। उन्होंने शहीद के पार्थिव शरीर पर फूलमाला अर्पित की और दुख की इस घड़ी में परिवार का हौसला बढ़ाया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस के कई आला अफसर मौजूद थे। आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद, इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, एक साझा अभियान चलाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। दबंगों से परेशान एक युवक न्याय की आस लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक टावर पर चढ़कर खुदकशी की धमकी देने लगा, जिसे देखने वालों का हुजूम जमा हो गया। इस सब के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझा के उस युवक को टावर से नीचे उतारा।
छतरपुर में कोतवाली थाना के गल्ला मंडी इलाके में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक टावर पर चढ़कर खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। टावर पर चढ़े युवक के बारे में जब आसपास के लोगों को पता चला तो युवक के ड्रामे को देखने हुजूम जमा हो गया। भीड़ बढ़ते ही एक घंटे बाद पुलिस पहुंची तो टावर पर चढ़े युवक ने अपने आप को सरानी पंचायत का उप सरपंच कन्हैया लाल कुशवाहा बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ब्रजगोपाल चिवहरे के खिलाफ उनके परिवार द्वारा पंचायत में घोटाले की शिकायत करने पर उसके खिलाफ फर्जी शराब बेचने का आरोप लगाकर पुलिस से पकड़वा दिया गया और उससे विधायक की उपस्थिति में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसी के खिलाफ वह न्याय पाने के लिए टावर पर चढ़ गया है। 3 घंटे तक चले इस ड्रामा के बाद युवक को समझाइश देकर मोबाइल टावर से उतारा गया। हमें पिछले साल झूठी केस में 34 में आबकारी एक्ट में बता दिया गया था झूठी ब्रजगोपाल से सबक द्वारा उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 21 लाख रुपया कर दी है उनकी मम्मी के ऊपर और ब्रजगोपाल के और सेक्रेटरी के ऊपर। आज हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जान से मारने की धमकी और उसके भैया बच्चन चाचा के सामने मारने की धमकी दे रहे थे। कल साल दुगना देख लेंगे तेरा। नक्सलवाद हो या फिर आतंकवाद, इसके खिलाफ हम सबको एक साझा मुहिम चलानी पड़ेगी, साझा अभियान खड़ा करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। अब एक ऐसी खबर जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, खासकर महिलाओं से जिनका ज्यादातर वक्त रसोई में ही गुजरता है। अक्सर हम गैस बदलते वक्त लापरवाह हो जाते हैं जो हमारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हादसा कवर्धा के चंदवर्षी परिवार के साथ पेश आया जब वो अपने घर का सिलेंडर बदल रहे थे। हादसे में इस परिवार के 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए। कवर्धा में गैस का सिलेंडर बदलते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। जरा सी लापरवाही के कारण गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और एक ही परिवार के 5 लोग इससे झुलस के गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कैलाश नगर स्थित भरत चंद्रवंशी के घर में सिलेंडर बदलते वक्त हुआ। हादसे में 5 माह की बच्ची, 3 महिलाएं और 2 पुरुष घायल हुए। सभी का इलाज रायपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। एक मकान की घटना है जिसमें भरत लाल चंद्रवंशी उनके मकान में संभवतः गैस जो सिलेंडर था उसको चेंज करते समय उसमें अचानक ज़्यादा गैस निकल जाने के कारण उसको बाहर निकाला जा रहा था उनका कहना है। उसी दौरान आग लग गई और आग लगने के कारण से 6 लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा झुलस गए हैं, जल गए हैं। पुरानी कहावत है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हम अपने विवेक से, अपने धैर्य से, अपने संयम से ऐसे हादसों को टाल सकते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूँगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। वो कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। 5 साल पहले आए थे हमारी खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट। और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं, हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने,
इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब खबर जबलपुर से। जबलपुर में हथियारों के सौदागर पुलिस के हत्थे लगे हैं। इनके पास से कंट्री मेड पिस्टल और देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके बारे में पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी थी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने अवैध हथियार व मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों पर शिकंजा कस रखा है। पुलिस को मुखबिर से हथियारों की तस्करी करने वाले लोगों की जानकारी मिली तो तीन लोगों हाकम सिंह लोधी, दौलत सिंह सिलावट और पवन दुबे को दबोचा गया, जिसके बाद अपराधियों के पास से तीन देसी पिस्टल, तीन कट्टे और छह कारतूस जब्त किए गए। पुलिस इनसे पूछताछ कर और मामलों का पता लगाने में जुटी हुई है। एक हनुमानताल थाने में एक अफसर अंसारी नाम के व्यक्ति पे एक गोली चली थी, जिसमें उसको दाएं तरफ उसको घायल भी हुआ था। उसमें जो है हमने अभी तीन लोगों को अरेस्ट किया है। उनसे हमको दो अवैध हथियार, एक बटनदार चाकू और कुछ कारतूस मिले हैं। इसमें अभी तीन लोग और अरेस्ट होना बाकी हैं। उनके संबंध में जो है तलाश की जा रही है क्राइम ब्रांच द्वारा। लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। थीम सॉन्ग के बोल थे, देश के दिल से दिल्ली तक, अब होगी कांग्रेस, पुकारे मध्य प्रदेश। युवाओं को लुभाने के लिए रैप सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है, जिसमें अच्छे दिन पर निशाना साधेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान कमलनाथ भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने कहा, देश को एक नई दिशा देने के लिए राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है। 21वीं सदी में राजीव गांधी ने देश को प्रवेश कराया था, उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे। ये घोषणा पत्र 21वीं सदी के दूसरे दशक में प्रवेश करेगा। ये लक्ष्य केवल बिंदुओं का नहीं है, विजन का है, एक सोच का है। और ये लक्ष्य जो राहुल गांधी जी का है कि हम कैसा देश 21वीं सदी के दूसरे दशक में प्रवेश करें, ये सबसे मैं मानता हूं आज के दिन आवश्यक बात है। क्योंकि पिछले पांच साल में जो अपने देश में हुआ है, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आज अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कैसे वायदे करे थे उद्योगपतियों के, वायदे में मैं नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता कि ये 15 लाख की बात, किसानों को लागत पर 50% की बात, अच्छे दिन की बात। और आज जो ये ध्यान मोड़ने की राजनीति है, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, उन मुद्दों की चर्चा करो जिससे हमें कोई जवाब नहीं देना पड़े, हिसाब ना देना पड़े। आज देश की जनता मांग रही है मोदी जी से
पिछले 5 साल का हिसाब और जवाब। कमलनाथ ने कहा लंबी चर्चा के बाद इस घोषणा पत्र को बनाया गया है और हर वर्ग को लाभ कैसे मिले, विकास कैसे हो, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। पिछले 5 साल में जो देश में हुआ, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस इस सब से लोगों को निजात दिलाएगी। बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र ने बाल साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए साहित्य सृजन और बच्चों में साहित्य पढ़ने की प्रवृत्ति को जागृत करना है। भोपाल के मानस भवन में बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के बाल साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति सरस्वती वंदना एवं भजन वैष्णव जन गीत के साथ की गई। सम्मान समारोह में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। संगीत की प्रस्तुति द्वारकाधीश संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने दी, जहां एक तरफ बच्चों ने गायन नृत्य से लोगों का मन मोह लिया, वहीं दूसरी ओर कृष्ण सुदामा की लघु नाटिका की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज ये सक्सेना जी की संस्था है बाल साहित्य शोध केंद्र, इसमें इन्होंने जो वार्षिक कार्यक्रम सम्मान समारोह जो रखा है उसमें उन्होंने हमसे ये इच्छा जाहिर की कि आपके कुछ छोटे बच्चों के माध्यम से ये कुछ उनकी प्रस्तुतियां जो है हमारे इस कार्यक्रम में हो पाएँ। तो हम जो हमारी संस्था चलती है द्वारकाधीश संगीत महाविद्यालय, उसमें छोटे बच्चे भी सीखते हैं और बड़े बच्चे भी सीखते हैं, तो उनको हमने जो है यहाँ पर लाकर उनकी प्रस्तुतियाँ करवाई। बाल साहित्य समारोह में आज मैंने प्रस्तुति दी थी। यहाँ पे ऐसे बाल साहित्य समारोह होते रहना चाहिए बच्चों के लिए, और ये सम्मान की अच्छी बात है। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें करवानी चाहिए, डांस करवाने चाहिए। यहाँ पे नाटक हुए, बहुत सारे गाने हुए, अभी चल रहा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं। बाल साहित्यकार सम्मान समारोह में देश भर से आए साहित्यकार उपस्थित रहे। विभिन्न क्षेत्र से आए अतिथियों को अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में रमेश चंद्र खरे को भीष्म सिंह सम्मान, दीनदयाल शर्मा को राष्ट्रबंधु वरिष्ठ सम्मान, दिनेश पाठक को श्री प्रसाद वरिष्ठ सम्मान, करुणा श्री को ज्ञान सिंह आर्य सम्मान, महेंद्र जैन को प्रेमचंद्र समुंदी सम्मान, आशा शर्मा को प्रभाकर दुबे सम्मान, श्याम उपाध्याय बाल साहित्यकार सम्मान महेश स्पर्श को दिया गया, शील कौशिक को शिव नारायण सूर्यवंशी सम्मान, कांति शुक्ल को चंद्रकांता लुनावत सम्मान, डॉक्टर राहुल खरे को जिनेंद्र कुमार जैन सम्मान, डॉक्टर वंदना मिश्रा को राष्ट्र श्रेष्ठ बाल सेवी सम्मान से नवाजा गया। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे श्री श्याम उपाध्याय बाल साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। हनुमानगढ़ शहर से, जो राजस्थान का 31वां जिला है, मैं वहाँ से आया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भोपाल की बाल साहित्य की जो संस्था है वो मुझे सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। वैसे तो मैं विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ और लिखने का शौक रखती हूँ। बाल साहित्य में मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, एक पर राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने मुझे पुरस्कृत किया था, और दूसरी पुस्तक अभी आई है मेरी। उसके अलावा मेरी 3 पुस्तकें और आ चुकी हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में जितना सुना, भोपाल के बारे में जितना सुना, बड़ी इच्छा थी यहाँ आने की, इसको अटेंड करने की, और आज शायद आप कह सकते हैं कि मेरा सपना एक तरह से साकार हुआ है, जो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सम्मान की इस कड़ी में पवन पाठक को बाल सम्मान तथा अतुल भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ एनजीओ के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 2 बाल प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इसमें विनीता जगताप को चित्रकला और एकता सपकाड़े को खेल प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। हम लोगों की असल में यहाँ पे जो मेन कोशिश ये रहती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोस्टली कंप्यूटर में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। अगर आप बच्चों को देखो, ट्रेन में सफर करो या आप एयरपोर्ट में जाओ, तो आप देखो बच्चे घंटों से मोबाइल में लगे हुए हैं और उनका जो पूरा का पूरा टाइम निकल रहा है सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी। तो हम लोग यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसके प्रति बच्चे ना जागरूक हों, और उसके बारे में बच्चे जाने कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये सारी चीज़ें जाने। मैं गोरखपुर से गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ। अंडर 17 में खेला था 40 किलो वजन वर्ग में, और मैंने यहाँ पे बाल आयोग में पुरस्कार मिला है।
कार्यक्रम में सम्मान समारोह के बाद पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के निदेशक महेश सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साहित्य से जोड़ना और बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। कार्यक्रम का संचालन शशि बंसल एवं अरविंद शर्मा ने किया। इस मौके पर आर के पालीवाल, आयुक्त आयकर दयाराम नामदेव, गांधी भवन संरक्षक राघवेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल आयोग डॉक्टर उमा शंकर, संचालक बाल भवन हरीश खंडेलवाल, समाजसेवी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आज बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र द्वारा उसके 11वें वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश से चयनित बाल साहित्यकार, बाल चिकित्सक और बाल सेवी सम्मान से अलंकृत किया गया और दो बाल प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया है, जो कि एक तो चित्रकला में और एक खेल प्रतिभा में है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और वो कल्याण भाई, जरा फलहारी वगैरह ले आओ, ये नौ देवियों का पर्व शुरू हो गया भैया, सबको खिलाओ। हाँ, ऐसे में कितनी बढ़िया खबर आ रही, सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसमें है ना अपने भोपाल की सृष्टि जैन देशमुख ने 5वां नंबर हासिल किया ऑल इंडिया में। बताओ ये कितनी अच्छी खबर है, ये शुरुआत होती है। और मैं बता रहा हूँ नारी शक्ति जितनी बढ़ रही है इस समय, इनको है ना सशक्तिकरण की अलग से क्या जरूरत है, बता रहा हूँ, इनमें खुद इतनी शक्ति होती है देवियों में। हाँ, उसका देखो रेल निकल ले। और ये देखो बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा, अब ये है ना इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और बीजेपी की है ना शत्रु हो गए हम। ये पहले शत्रुघ्न थे, घन पटकते रहते थे बीजेपी वालों पर, बता रही हूँ, अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और हमारी जो शोले की बसंती हेमा मालिनी जी, ये भैया हेलीकॉप्टर से जा रही है खेतों में, वो आसिया ले गए वहाँ फसल काट रही है। वो बताओ इन्होंने वहाँ उसमें शोले में चलाया था तांगा, वो अभी ये ट्रैक्टर वगैरह चला रही है। बताओ ये सीन बदल जाता है, बताओ क्या क्या करना पड़ता है भैया वोट लेने के लिए, बता रही हूँ। और ये देखो ये खबर, ये दुनिया का सबसे महंगा तालाब, बता रहा 2.5 लाख करोड़ मिले इनको। ये मैकेंजी बेजोस हैं जो, ये बेजोस की वाइफ, इनको 2.5 लाख करोड़ मिले, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला हो गई है, बताओ तलाक के बाद। ये तो ये मुझे लगता है ये लाइनें लग जाएंगी तलाक की, बता रहे हो हमारे यहाँ तलाक हो जाए, तलाक तलाक बोले भाग हो जाती, हमारे पास कुछ नहीं है, इनके पास देना कुछ रहते ही नहीं, ये तो चल लिया है। और ट्रम्प ने भैया फिर से है ना प्रवासियों को है ना बहुत चेतावनी दे दी है, बोले हमारा देश है ना भर गया, जगह नहीं है हमारे यहाँ, भागो यहाँ से। और मैं कहता हूँ यार जाते ही क्यों यार दूसरे देश में, अपने देश में रहो बढ़िया, वहीं उन्नति करो, अपने देश की प्रगति करो, अपने टैलेंट को वहाँ यूज करो ना, ये बेइज्जती कराने जाती हूँ, समझ में नहीं आता मेरे। और मैं तो कह रहा हूँ यार राजनीति में है ना बुजुर्गों को अपना ख्याल खुद भी रखना चाहिए, बता रहे हूँ, ये बेइज्जती होने का एहसास हो उससे पहले ही अपनी इज्जत बचा लो, खुद ही मना कर दो ना, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, बता रहे ये बेइज्जती का टिकट कटे वटे ये चले। सुमित्रा महाजन जी इतने 8 बार वहाँ से रहीं, वहाँ से सांसद रहीं इंदौर से, अब उनको टिकट विकट दे नहीं रहे, बता रहे ये अब आडवाणी पहले ही बैठे बेचारे, और वो दूसरे मुरली मनोहर जोशी, ये तो चल लिया है। और मैं कहता हूँ बुजुर्गों को छोड़ो, अब दूसरे नए लोगों को मौका दो, ठीक है उनको खुद ही देना चाहिए। हाँ, और मैं कह रहा हूँ इस समय दो ही स्तर नीचे जा रहे हैं, ये जल स्तर इतना नीचे जा रहा है गर्मी में, और दूसरा राजनीति का स्तर भी इतने नीचे गिर गया है बहुत ज़्यादा, और कुछ भी बोले जा रहा है आदमी, जूता वूता जाने क्या क्या, अरे कुछ तो आराम करो भाई, ऐसा तो हम माहौल चल दिया बता। वही इधर बताओ IPL की खबर देख लो, ये आंद्रे रसल है भैया, ये क्या खिलाड़ी है क्या है, इनको एक ही शॉट आता है छक्के वाला, दे छक्के मारे जा रहे, दे छक्के मारे जा रहे। कल मेरे पास बॉलरों की पूरा प्रतिनिधि मंडल आ गया, बोले भैया बचा लो भोपाली भाई क्या खाने। अब मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम लोग बॉल फेंको बस, ये फेंकते रहो। तो ये तो हाल चल रहा है, मेरा तो है ना दिमाग ये सब सुनकर खराब हो जाता है, मैं तो IPL का मैच देखने जा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।